भाई यार पीका बहुत ज्यादा छोड़ रहा, ये देखो यार तो फाइन ले गया यार। हम लोग निकल चुके हैं राइड पे और ये चेक करें यार, यहाँ पे तो पुलिस खड़ा है, पता नहीं क्या सीन हुआ है, बाइक वगैरह तो नहीं रोक रहा है मेरे कारण से यार, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा यहाँ पे इस कारण से यार, यहाँ पे पुलिस रुका है, नहीं तो नहीं रुक सकता। हम सोचे यार हम लोग को रोकेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे में मतलब थोड़ा सा यार चुल्लू किए थे हम लोग बाइक, सोचे कि यार रोकेगा, बट हम लोग का तो यार कोई टेंशन वगैरह नहीं है क्योंकि हम लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, हेलमेट भी पहने हैं, कोई पीछे में पिलियन भी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बढ़ रहे थे, बट यार पुलिस लोग देख रहा था बट रोका नहीं, तो चलते हैं यार। आज सोच रहे हैं कि यार एक R15 और FZ है उसके साथ यार ड्रैग रेस करने का, तो यहीं पे यार करते हैं ड्रैग रेस, ये जो रोड है ये सही है, तो यहाँ पे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे यार क्योंकि यार वहाँ पे आगे में पुलिस है, अगर ड्रैग रेस वगैरह करेंगे तो यार पकड़ लेगा। तो आगे में चलते हैं यार, कोई अच्छा सा रोड देखते हैं, वहीं पे यार ड्रैग रेस वगैरह करेंगे। तो आशीष बंदा पीछे में है, सूरज भी पीछे में है, तो देखते हैं यार किधर को जाता है बंदा लोग। और मौसम एक बार चेक करें यार, काफ़ी मस्त मौसम हो रखा है यार, इधर तो बारिश अभी जस्ट ना कुछ टाइम पहले हुआ होगा, क्योंकि यार रोड जो है पूरा गीला गीला है। बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं यार, बाइक मेरा यार काफ़ी दिन से बाइक मेरा चल उल नहीं रहा था, शाम में एक बार गए यार बैटरी को चार्ज करा करके लाए, उसके बाद बैटरी जैसे लगाएं और स्टार्ट किए तो बाइक स्टार्ट हो गया, उसके बाद रात में छोड़ दिए, उसके बाद सुबह में जैसे ही स्टार्ट करने का ट्राई किए तो स्टार्ट नहीं होने लगा, तब यार हम समझ गए कि ये बैटरी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बैटरी अगर चेंज नहीं करेंगे तो इसी तरह हमको दिक्कत करता ही रहेगा। तो सुबह में गए यार मार्केट से एक बैटरी वगैरह खरीद करके ले आए और डाल दिए, तो अभी प्रॉपर बाइक चल, तो बैटरी का जो परसेंटेज वो ये चेक करें 14.4 बता रहा, अगर ये 10 के आसपास हो जाता तो यार ये स्टार्ट लेने ही नहीं लगता, मैक्सिमम ये 12% के आसपास ये चार्ज रहना चाहिए तब बाइक स्टार्ट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा स्टार्ट। और व्यू एक बार चेक करें यार रोड का, बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं यार, और ये देखो यार इधर तो बारिश ही नहीं हुआ है यार, ये देखो उधर पाथरोल तरफ भी बारिश नहीं हो रहा था यार, जो इधर लोकल से कोई देख रहा तो उसको यार समझ में आ जाएगा, पाथरोल में बारिश नहीं हो रहा था, उसके बाद पाथरोल से जैसे थोड़ा सा आगे आए यार वहाँ पे बारिश था, उसके बाद फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर आए यार आगे तो यहाँ बारिश थोड़ा सा भी नहीं हुआ है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यार पूरा रोड सूखा हुआ है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का लोकेशन पे हम यार हम लोग रुके हैं, तो सोच रहे हैं यार R15 और जो FZ है ये भी यार न्यू मॉडल है, तो ये दोनों का यार ड्रैग रेस करने का, तो अगर इस तरह के अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यार ऑलमोस्ट सेम ही है इंजन, सिर्फ 5 cc इसमें ज़्यादा है और इसमें यार 150 है और ये 155 cc का है, तो बस यार ड्रैग रेस करने का सोच रहा हूँ, तो कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करके बताएं, मेरे को तो लग रहा है यार R15 जीतेगा, क्योंकि यार ये स्पोर्ट बाइक है और ये नेकेड स्पोर्ट बाइक है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इंजन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है यार, R15 का जो इंजन है ये लिक्विड कूल इंजन है और इसमें एयर कूलिंग इंजन है, तो यार टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से यार बाइक के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं यार फर्स्ट टाइम हम R15 चलाएंगे और जाएंगे, ज़्यादा तो खींच नहीं पाएंगे 110 के आसपास, देखते हैं यार खींच करके कि कौन सा बाइक जल्दी अचीव कर पाता है स्पीड और कौन सा बाइक नॉर्मल, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं यार बाइक के ऊपर बैठते हैं और ड्रैग रेस शुरू करते हैं, देखते हैं यार कौन सा जीत पाता है कौन सा नहीं। तो हम हॉर्न मारते हैं 1, 2, 3, हम थोड़ा सा यार टाइम दिए थे आशीष बंदा को, काफी पावरफुल है यार, अब तुम नहीं जीत पाएगा भाई, हम पूरा टोटल भी नहीं दे पा रहे हैं यार, ये देखो काफी ज्यादा पीछे में रह गया यार आशीष बंदा। तो यहीं पे रुकते हैं यार, यहाँ से यू टर्न लेते हैं, अब देखते हैं यार हम एक बार FZ राइड करके देखते हैं और आशीष को दे देते हैं R15, देखते हैं यार FZ में क्या पावर है। तो बाइक को चेंज करते हैं यार, हम FZ राइड करते हैं और आशीष बंदा R15 राइड करेगा, देखते हैं यार
चलो हॉर्न मारो। भाई यार पिकअप बहुत ज्यादा छोड़ रहा, ये देखो यार भाई क्या बाइक है यार, आरपीएम लो हो जा रहा है यार और स्पीड पकड़ ही नहीं रहा है बाइक, फिर भी यार हम आशीष बंदा रोक लिया होगा यार बाइक, नहीं तो मेरा बाइक जो है काफी ज्यादा स्पीड चलता है भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। वो बंदा को क्या हो गया यार, बंदा पीछे में ही बाइक रोक दिया। तो फाइनली गाइस यार वीडियो वगैरह हम लोग का शूट हो चुका है जो कि आप लोग देख ही लिए होंगे, तो यार थंबनेल वगैरह क्लिक नहीं किए थे तो थंबनेल वगैरह क्लिक कर लिए, अब निकलते हैं यार घर। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर मैं बात करूं यार FZ और R15 का पिकअप का, तो पिकअप जो है यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर भी यार हम लोग थोड़ा बहुत यार कर लिए हैं, बट यार आप लोग कोई कॉमेंट वगैरह ये नहीं कीजिएगा कि ये अपना सेगमेंट में नहीं है। अगर मैं यार पावर की भी बात करूँ तो काफ़ी कम पावर है यार FZ में, और इसमें जो है यार इनिशियल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है यार, इसमें पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, बट इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है यार इंजन। अगर मैं बात करूँ इंजन की तो इसमें यार लिक्विड कूलिंग इंजन दिया गया है, उसमें यार एयर कूलिंग इंजन दिया गया है, तो इंजन में भी यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ से यार हम लोग निकल चुके हैं, अब जाएंगे घर। आशीष बंदा को भी यार घर में काम है थोड़ा सा, तो इस कारण से यार वो बंदा बोल रहा था कि नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बोले यार चल सुबह में ही चलते हैं। और अभी का एक बार टाइम चेक करें यार 11:30 हो रखा है, और अभी हम लोग निकल चुके हैं और आशीष बंदा यार काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो यार आप लोग वीडियो तो देखते हो यार, लेकिन वीडियो पे लाइक वगैरह नहीं करते हो, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो यार, यार जल्दी से जल्दी 10K करा दो यार। 10K मेरा जैसे ही होगा तो यार एक न्यू बाइक आने वाला है मेरे पास, तो न्यू बाइक कौन सा आने वाला है वो आप लोग यार पता चल ही गया होगा, अगर पता नहीं चला होगा तो कुछ दिन में वो भी हम रिवील कर देंगे। और बस यार आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आई होप करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं भी पसंद आया होगा तो फिर भी वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन यार फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो कैसा है यार कॉमेंट करके बताएँ, अच्छा है कि बुरा है वो भी कॉमेंट करके बताएँ। तो मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो यार बंदा लोग को, तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन। I'm on my way.